फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सो गुड मॉर्निंग, आज है मंडे। गलती यही हुआ कि मैं पहले बहुत कुछ बात कर लिया था और फिर देखा कि मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया। मुझे एक्चुअली ये कैमरे से मैं ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ और ऐसा लग रहा है मैं किसी के सामने अपना इंटरव्यू दे रही हूँ और समथिंग लाइक दैट। सो थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। जब इतना कुछ बोल दिया और फिर देखा कैमरा ऑन नहीं था तो इट्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, राइट? बिकॉज बहुत गट्स लेके मैं आई थिंक अभी मैं बहुत गट्स लेके बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत नर्वस हूँ। आज है मंडे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, और मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी, मेरा 5.5 ईयर्स ओल्ड का बेटी है, तो वो लोग अपने रेस्पेक्टिव काम और स्कूल में चले गए हैं। घर पे हूँ सिर्फ मैं और मेरी एक 6.5 साल की और एक बेटी जो कि एक गोल्डन रिट्रीवर है। एंड क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड था और मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी का छुट्टी रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा काम चोरी कर लेती हूँ सैटरडे संडे, क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है। सो रादर मेरा हस्बैंड ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, वो जब भी घर में रहता है वो थोड़ा काम चोरी तो कर लेती हूँ, तो वही काम चोरी बहुत महंगा पड़ जाता है। जैकि अगर मैं कैमरा घुमा के दिखा सकती हूँ कि मेरे घर अभी टोटल बिल्कुल मेस है। अभी बिग बास्केट में मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऑर्डर दिया था, वो आया है, वो पड़ा हुआ है सोफ़ा में, तो मुझे कपड़ा भी फोल्ड करके रखी थी मैं सोफ़ा में, तो वो भी अभी कबर्ड में उठाना है और कुछ कपड़े निकालना है, सेग्रीगेट करना है, क्योंकि मेरा जहाँ पे मैं आयरन करने देती हूँ कपड़े, तो उसका एक छोटा लड़की है, तो उसने कहा कि मेरे बेटी का कुछ कपड़े देने के लिए, तो वो भी मुझे सेग्रीगेट करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑल द वर्क आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं ये चैनल हिंदी में बोल कर रही हूँ, एज इफ मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें बंगाली नहीं आता है, एज आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर, सो उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को समझ में आए, तो मेरा ग्रामर है वो थोड़ा जेंडर एंड ग्रामर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है हिंदी का, सो प्लीज़ फॉर दैट रीज़न जस्ट फॉरगिव मी। और ये क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। जैसे दिन जाएगा आई थिंक आई विल बी वेरी फ्री एंड इट विल बिकम माई बेस्ट फ्रेंड एज इसके थ्रू ही मैं, क्योंकि बैंगलोर में बिल्कुल मैं अकेली हूँ, मेरा ना कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड्स है बैंगलोर में, ज़्यादा कोई फ्रेंड्स तो नहीं है, मेरा सभी कॉलेज का फ्रेंड्स इधर दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती है। सो इसके थ्रू ही आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मोर एंड मोर पीपल हु कैन बिकम माई फ्रेंड्स, और बाकी सब बातें मेरे बारे में और मैं क्यों कैसे ये यूट्यूब के कीड़ा मेरे दिमाग में आए मैं सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। सो अभी काम करते हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी भी थोड़ा मिस है, जैसे कि आप
ये देख लो, इसको मैं अभी वॉशिंग पे देना है, वो वॉशिंग में देना है, और वॉशिंग से मशीन से कपड़े भी निकालना है, तो बहुत काम है। सो इसको मैं ले लूँ, फिर चलते हैं दूसरे काम की ओर। सो चलिए मैं इसको इधर ही डंप करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा सारा सब्जियाँ जो कि बिग बास्केट से आया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। मैं वैसे भी मैं बिग बास्केट से ग्रॉसरीज आइटम लेती हूँ, पर वेजिटेबल्स मैं नहीं लेती। तो आज पहली बार मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ, एंड मैं देख रही हूँ दुकान से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और यह है आयरन का क्लोथ्स जो आयरन होकर आया है, और मुझे कवर पे रखना है। और ये देखो पूरा मेस जो मुझे क्लीन करना है। मेरा फ़ोन बज रहा है, सो लेट मी टेक द कॉल एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। थोड़ी साफ सफाई कर ली, अब मैंने सब क्लीन कर लिया है। वो बेबी कॉट में अभी बाकी है, वो अभी उसको चादर चढ़ाना है, बाकी क्लीन हो गया है। ये मेरा बेटी का टॉय सेक्शन है, जो नीचे उसका किचन से डॉक्टर से सब कुछ रहता है, और ऊपर उसका थोड़ा सा टेडी बेयर, और बाकी टेडी बेयर्स ऑफ सब अलमीरा में रहता है, कबर्ड में रहता है। और चलिए मैं आपको मेरी दूसरी लड़की से मिलवाती हूँ, बेचारी गर्मी में है अभी। पेनी, देखिए शी इज़ वैगिंग हर टेल। पेनी से हाय, पेनी लुक, पेनी लुक। तो चलिए अभी ये है झाड़ू, झाड़ू को झाड़ू के जगह रख देते हैं, और लगभग सभी रूम क्लीन हो गया है मेरा। मैं आज पापड़ फिश बनाने वाली हूँ, तो कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आप बर्तन इग्नोर करना, पापड़ फिश जो मैंने हल्दी नमक और मस्टर्ड ऑयल से मैरिनेट करके रखा है, और ये है मसाला जिसमें है जिंजर पेस्ट, हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड जीरा पाउडर। जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके, कोरिएंडर पाउडर थोड़ा कम करके, ठीक है। और मैंने
पोटैटो ऐसे लंबा लंबा ऐसे पीस कर किया है। कोरिएंडर भी मैंने चॉप करके रखा है। ये नींबू है, लेमन है, ये इसको हम लोग बंगाली में गोंधराज लेव बोल। बड़ा अनियन, अगर छोटा अनियन हो इतना साइज का तो आप उसका एक अनियन दे सकते हो, अगर बड़ा हो तो उसका हाफ दे। गरम करके रखा है करी के लिए, और क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि खाने में, व्हेन यू आर कुकिंग, खाने में हमेशा गर्म पानी ऐड करना ताकि खाने का टेस्ट और अच्छा होता है। शायद मैं इतने बड़ी कुक तो हूँ नहीं, जो भी सीखा है मम्मी से सीखा है, वो भी शादी के बाद सीखा है, और थोड़ा बहुत यूट्यूब। वो मसाला को मैंने दिखाया था, उसको मैंने थोड़ा पानी से घोल लिया है ऐसे, और मेरा फिश फ्राई हो गया। इतना सा कलौंजी और नाइजेला सीड, और इसमें कढ़ाई में दे दूंगी। आपको पता नहीं चलेगा, डर भी लग रहा है कैमरा ना गिर जाए। तो निजेला सीड्स, नाइजेला सीड्स देने के बाद चॉप्ड अनियन, अनियन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए मैं ये पोटैटो दे दूंगी। ये पोटैटो को मैंने फ्राई नहीं किया है तो इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा मैं सॉल्ट दूंगी, और मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा दिया है। एक्चुअली मेरा ये जो ओवन है ये थोड़ा हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए अगर मैं स्लैब में ये इसको कैमरा को रखूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा। हो गया, अभी मैं ये मसाला दे दूँगी। थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके इसको ऐसे वॉश करके दे। क्योंकि मैं ये गर्म पानी दिया है तो उसको बॉयल होने से पहले मैं ये फिश दे दूंगी। फिर थोड़ा नमक दूंगी। बेटी मिर्ची नहीं खाती है, मैं खाती हूँ तो मैं दे देती हूँ, और कोरिएंडर लीव्स दे दूंगी। मैं सब कुछ एक बार ही दे देती हूँ, फिर सिम करके रख दूंगी। फिश हो जाएगा, पोटैटो भी गल जाएगा, मीन्स पक जाएगा, तब आपका ये ग्रेवी तैयार। ये जो मैंने गंदगी फैलाई है इसको मैं साफ कर लूँ, और बस साफ कर लूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँ, और हो जाएगा मेरा कुकिंग। सो ये सब काम ख़त्म करके
नहाने जाने के बाद, नहाने जाने से पहले मैं आप सबसे मिलती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अब मेरा नहाना भी हो गया, सारा काम हो गया, सब पूरा क्लीन वीन सब कुछ हो गया, और मैं अभी लंच करूँगी, उसके बाद मेरी बेटी को लेने जाऊँगी। तो बिफोर हैविंग द लंच मैं आपको दिखा देती हूँ फिश करी कैसे बना है। एक मिनट। देखा ऐसे बना है फिश करी, और मैं झट से लंच कर लेती हूँ, उसके बाद लंच के साथ साथ मैं ये वीडियो को यही एंड करती हूँ, और उसके साथ आई प्रोमिस आई कम वेरी सून विद अ न्यू वीडियो, एंड टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन नीचे रहता है, एक देखना एक रेड कलर का बटन आता है जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, तो जस्ट क्लिक द बटन, वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता है, और उसके पास एक घंटी आता है, टिंग टिंग करके घंटी आता है, उसको भी दबा देना, ताकि जब मैं अपना कोई न्यू वीडियो डाउनलोड यूट्यूब में अपलोड करूँ तब आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो बाय, लव यू ऑल।